सचिन गोस्वामी, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले आपके लिए होता सेशन लेकर आए थे, आज हम बात करते हैं लिटरेचर की, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि लिटरेचर और ग्रामर दोनों कौशल आपके साथ साथ चलते रहेंगे। तो आज स्पेशली हमारा जो टॉपिक है सोनेट, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टीजीटी टीजीटी या कोई भी टीजी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं सोनेट की। सोनेट क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोनेट। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेट की, ये सोनेट जो शब्द है ये कहां से आया। सोनेट शब्द का जो निर्माण हुआ, ये बना सोनेट शब्द, ये आया हमारे इटालियन वर्ड से, इटालियन वर्ड सोनेटो। इटली का शब्द था सोनेटो, जिससे सोनेट शब्द की उत्पत्ति हुई। सोनेटो का मतलब क्या होता है? सोनेटो स्टैंड्स फॉर अ लिटिल साउंड, अ लिटिल साउंड इज कॉल्ड सोनेटो। इन लिटरेरी टर्म्स इफ वी टॉक अबाउट सोनेट, सो व्हाट इज सोनेट? सोनेट इज ए शॉर्ट पोयम ऑफ 40 लाइंस। तो एक 14 लाइन की जो एक छोटी सी कविता होती है उसको हम बोलते हैं सोनेट। 14 लाइन की छोटी सी कविता सोनेट कहलाती है। अगर जो हम टाइप्स ऑफ सोनेट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला टाइप सोनेट का आता है पैट्रियन सोनेट। What is पैट्रियन सोनेट? पैट्रियन सोनेट को अगर जो हम अन्य नामों की बात करें, तो इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं। पैट्रियन सोनेट, इसका दूसरा नाम आता है इटालियन सोनेट। इसका तीसरा नाम आता है मेल्टोनिक सोनेट, और इसको हम क्लासिकल सोनेट के रूप में भी जानते हैं। तो What is पैट्रियन सोनेट? पैट्रियन सोनेट इज नोन एज इटालियन सोनेट, मेल्टोनिक सोनेट एंड क्लासिकल सोनेट। एंड व्हाट इज पैट्रियन एक्चुअली? व्हाट इज पैट्रियन सोनेट सोनेट एंड व्हाई वी कॉल इट पैट्रियन पैट्रियन सोनेट? यू नो विलियम पैट्रियन के नाम पर इस सोनेट का नाम पड़ा। पैट्रियन जिन्होंने इस सोनेट को इन्वेंट किया, और बीइंग इटालियन इट इज कॉल्ड इटालियन सोनेट। और मिल्टन, जॉन मिल्टन जो अंग्रेजी के फेमस कवि हुए हैं, उन्होंने इस पैटर्न को फॉलो किया, तो ये मिल्टन सोनेट कहलाई है। बी इस क्लासिकल पैटर्न इट इज कॉल्ड क्लासिकल सोनेट। अब बेसिकली ये होती क्या है, पैट्रियन सोनेट क्या होती है, कितने भागों में बटी होती है? पैट्रियन सोनेट जो होती है हमारी, ये होती है डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। ये दो भागों में बटी होती है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड सेस्टेट। ऑक्टेव एंड सेस्टेट, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ पैट्रियन सोनेट। ऑक्टेव की अगर जो हम बात करें, तो ऑक्टेव में होती है 8 लाइंस, और जबकि सेस्टेट में हमारी होती है 6 लाइंस। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो जाती है हमारी 14। आई रिपीट इट, पैट्रियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑक्टेव एंड सेकंड सेस्टेट। ऑक्टेव कैरीज 8 लाइंस एंड सेस्टेट कैरीज 6 लाइंस। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स को दिया जाता है, वेयर एज सेस्टेट की हम बात करें, तो सेस्टेट में सॉल्यूशन को दर्शाया जाता है। सेस्टेट में जो दिया जाता है, इसका सॉल्यूशन दिया जाता है। जॉन मिल्टन की पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसका फेमस एग्जाम्पल है। अगर हम उसकी कुछ पंक्तियां देखें, When I consider how light is spent in half my days, the world became dark, far and wide, and a talent that is no to be useless. Thou hast found more wage to serve there with my maker and present my true account, this is the right side. So, these lines are the Petrarchan Sonnet say, all his blindness, Milton is all right, and Petrarchan Sonnet, Jahan and John Milton, अपने अंधे होने का विलाप कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि भगवान ने मुझे मेरी आधी उम्र में ही अंधा बना दिया। जब भी कभी मैं
सामने दुख का एक साया सा छाया हुआ है, क्योंकि जॉन मिल्टन के अंदर एक टैलेंट था, वो था पोएट्री राइटिंग का। कविता के लिए कविता को लेकर वो भगवान की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनको लगता है भगवान ने उनसे उनका वो टैलेंट छीन लिया है, अब वो ऐसे में क्या करेंगे। और उनको चिंता है कि कहीं उनके मरने के पश्चात जब वो भगवान के सामने प्रस्तुत होंगे तो भगवान उनसे उनके जीवन का बहन खाता मांगेगा, देखेगा और कहेगा कि भाई तुमने जीवन में क्या काम किया। इसको लेकर चिंतित थे, लेकिन लास्ट उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, कहते हैं कि भगवान की आज्ञा के लिए तो हजारों फरिश्ते तैयार रहते हैं, उनकी एक आज्ञा का पालन करके वो समुद्र और पृथ्वी को नाप जाते हैं, तो वह तो केवल खड़े रहेंगे और अपने दंड का इंतजार करेंगे। तो सर पैटर्न जो है start with.
and we just make the sound star R, AA, high sky, BB. As the right skin is AA, BB. I hope aapko ye concept samajh mein aaya hoga. Aaj jo literally form Sonnet ke bare mein discuss kiya hoga, aapko acha laga hoga. Aur iske agle part ke liye aur agle time ke liye hamara jo channel